and today we are learning in this class once again the most important topic about the differentiability. Yes friend, तो आज हम अपनी क्लास में चैप्टर 4 डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 4.1 और क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंट को ना बल्कि एक बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि ये इंपॉर्टेंट हमारी एंट्री टेस्ट में भी स्पेशली इंपॉर्टेंट है. दोस्तों हमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल. जी हाँ फ्रेंड, हमें कुछ फार्मूलाज होते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को सॉल्व करने के लिए. तो हम सबसे पहले स्टार्ट हमने लिया है एक्सरसाइज 4.1 से और उसमें यूज कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल. सबसे पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला को फ्रेंड समझते हैं. यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला होता क्या है, उसको लिखने का तरीका क्या होता है. दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, f(a) इज इक्वल टू लिमिट. इसको दोस्तों लिमिट पे हम पढ़ते हैं, इसका फुल जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इस तरीके का होता है लिमिट, पर हम शॉर्टली यहां पे इसको a ला m भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिमिट होती है. जी हाँ फ्रेंड, उसके बाद x टेंड टू a, फिर से हमें मिलती है f(x) और माइनस की सिंबल होती है, फिर से f(a) और डिवाइड करते हैं हम x माइनस a से. जी हाँ फ्रेंड, ये जो आपको नजर आ रहा है f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a f(x) माइनस, ये हमारी x है, f(x) माइनस f(a) अपॉन x माइनस a, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला कहलाता है. तो फ्रेंड यहां पे दो बातें समझनी है फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला में. यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे एक फंक्शन गिवन है और फंक्शन में क्या है, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर. जैसा कि यहां पे फंक्शन में a, यहां पे a है और यहां पे x है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे जो गिवन फंक्शन होता है उस गिवन फंक्शन को हम फर्स्ट सबसे पहले f(a) के फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि गिवन फंक्शन एक अलग फॉर्मेट में और जो फार्मूला है वो अलग फॉर्मेट में, इसलिए हम उसको कन्वर्ट करेंगे फिर हम फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारी आसानी हो जाएगी. और दूसरी बात यहां पे ये है कि x टेंड टू a मींस x जो है वो अप्रोच कर रहा है a को, इसका मतलब ये है कि जहां जहां पे भी x होगा वहां पे हम x की जगह पे ना a पुट करेंगे. ये दो कंडीशन होती है फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला की. तो फ्रेंड आइए और हम आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला की मदद से ये किस तरह हल होता है. ये फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए लाजमी होता है, बाकी अगर आप एंट्री टेस्ट में बैठे होते हैं तो इसकी डेरिवेटिव लेना बहुत ही आसान होती है. जैसा कि पहले 6-7-10 फंक्शन हमने पढ़े हुए हैं पहले दो वीडियोज में, अगर वो वीडियो आप दोस्तों का देखा हुआ है तो इसकी डेरिवेटिव लेना आप दोस्तों के लिए एंट्री टेस्ट में मुश्किल है ही नहीं. तो दोस्तों सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में क्या करना है हमें, हम लेते हैं लेट में क्या करना है दोस्तों, f(x) किसके बराबर है, x स्क्वायर के. ये हमारा गिवन फंक्शन है. एज वी नो दैट किसके बारे में जानते हैं हम, एज वी नो दैट अबाउट फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला, एज वी नो दैट अबाउट फर्स्ट, यहां पे इसको हम शॉर्टली लिख लेते हैं दोस्तों, फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला को हम ना शॉर्टली लिख लेते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला. जी हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला, और वो क्या है, एज वी नो दैट अबाउट फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला, और वो हम अभी पढ़ के आए, वो है हमारा f(a) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a f(x) माइनस f(a) अपॉन x माइनस a. जी फ्रेंड, तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला है. अब क्या करना है, अब जैसा कि गिवन फंक्शन में x में और x की जगह पे हमें बनाना है, जैसा कि f(x) हमें x स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, जहां पे f(a) इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x में, तो इस तरह हम इसको एक कंडीशन में लिखेंगे, सिंस हमारा यहां पे ये f(x) बराबर है हमारा x स्क्वायर के. सही है फ्रेंड, x स्क्वायर के, तो हम इसको ना f(a) यहां पे x की जगह पे हमने लिखा है a, और फिर यहां पे x है तो इसकी जगह पे आ जाएगा a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर. ये क्यों किया है, क्योंकि फार्मूले में रिक्वायरमेंट जो है वो इसी तरीके से, इसलिए हमने इसको चेंज कर लिया. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी सॉल्यूशन सही नहीं आएगी.
तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला में हर प्रॉब्लम को करने के लिए आप दोस्तों को लाजमी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड यहां तक आ गया, अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज मिले हैं एफ ऑफ एक्स के और एफ ऑफ ए के वो पुट करेंगे हम अपनी फार्मूला में और हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो फ्रेंड यहां पे क्या है, हमें फॉलोम करना है एफ डैश ऑफ ए, ये हमारा फार्मूला है एफ डैश ऑफ ए, ये हमारा फार्मूला। और लिमिट्स, लिमिट भी हम सेम ही रखेंगे क्योंकि लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं है, सही है फ्रेंड। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमें रखना है अपना वैल्यू, और वो क्या मिला है दोस्तों एफ ऑफ एक्स की जगह पे, वो मिला है हमें एक्स स्क्वायर। उसके बाद सैंपल कौन सी है, वो है माइनस की। फिर से एफ ऑफ ए की जगह पे दोस्तों क्या है, वो है हमारा ए स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स की जगह पे वैल्यू रखा, ये गिवन है, सही है। उसके बाद एफ ऑफ ए इसमें से बनाया क्योंकि एक फंक्शन के अंदर ये बनाना था, तो एफ ऑफ ए की जगह पे क्या रखा, एफ ऑफ ए की ए स्क्वायर। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस ए। जी फ्रेंड, तो आप दोस्तों को याद ना क्लियर हो गया होगा किस तरह हमने इसको पुट किया है फार्मूला में। और दोस्तों अगर आप इस फार्मूला में देखें अभी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप दोस्त पीछे से पढ़ के आए कुछ फैक्टर, ये उन फैक्टर में से जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर निकलते हैं, ये उस कंडीशन में से नजर आ रहा है, तो हम इसके फैक्टर लिखेंगे क्योंकि ये फैक्टर वाली सूरत यहाँ पे दे रहा है, और हम इसको आगे लिख लेते हैं इस तरफ। जी हाँ फ्रेंड, इसको हम आगे इस तरफ लिख लेते हैं एफ डैश ऑफ ए, और इसके फैक्टर क्या बनेंगे, अगर मैं यहां पे रफ ना करूं और डायरेक्टली लिखूं तो और भी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा, और हमारा एक स्टेप यहां पे ना दोस्तों थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स इस तरह हम इनको लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए एक फैक्टर इसका ये हो गया, और दूसरा फैक्टर इसका एक्स प्लस ये हो गया, और डिनोमिनेटर हमें क्या है, एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस ए। जी फ्रेंड, तो एक्स माइनस ए डिनोमिनेटर में, और हमें न्यूमिनेटर में एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे एक्स माइनस ए में कट गए, बाकी क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे बच गया लिमिट एक्स माइनस एक्स एक्स टेन टू ए, और हमारा न्यूमिनेटर में बच गया है एक्स प्लस ए। जी फ्रेंड, तो हमें जो अभी फाइनल वाला टर्मिनोलॉजी मिली है, वो मिली है एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स प्लस ए। अब दोस्तों यहां पे हमारी सिंप्लीफाई हो गई है, और हमें एक ही चीज बचती है, वो बचती है लिमिट। तो अभी जब सिंप्लीफिकेशन जैसे प्रॉब्लम की हो जाती है, तो बाकी बचती है हमें लिमिट अप्लाई करनी पड़ती है। तो दोस्तों यहां पर अब क्या करेंगे, यहां पर करेंगे अप्लाई अप्लाई लिमिट, और हम अप्लाई लिमिट करेंगे तो दोस्तों क्या है लिमिट में, यहां पे एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए लिमिट। अब लिमिट एक्स, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, जैसा कि फर्स्ट जब शुरुआत की थी उसमें मैंने बताया था एक्स जहां पे आएगा उसकी जगह पे ए रखेंगे, तो अब अप्लाई लिमिट करेंगे तो लिमिट यहां से खत्म हो जाएगी, और एक्स की जगह पे हम ए रखेंगे, प्लस ए ऑलरेडी है, तो दोस्तों इसका जवाब आ गया हमें टू ए। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे हमें एफ डैश ऑफ ए का जवाब मिला है 2a, और हम जैसा के हमें गिवन फंक्शन है वो x की कंडीशन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रीप्लेस ए, रीप्लेस ए दोस्तों करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगी, एफ अब यहाँ पे a, a को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एफ डैश ऑफ x आ जाएगी, और हमें क्या करना है यहाँ पे 2a, तो 2 और x a की जगह पे x आ जाएगी, तो हमारी जो रिजल्ट मिली है फ्रेंड्स वो मिली है एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला की मदद से, ये हमारा हो गया आंसर। फ्रेंड अगर हम इसी प्रॉब्लम को अगर क्विकली करना चाहें, ट्रिक करना चाहें कॉम्पिट एग्जाम के लिए, तो उसमें हम फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला नहीं लगाएंगे, जस्ट क्या करेंगे, इसको उठाएंगे एक्स स्क्वायर को, है ना, तो क्या करते हैं पावर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पावर इससे मल्टीप्लाई और पावर में से एक्स सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए किस तरह करते हैं, पावर ने मल्टीप्लाई कर लिया और x पावर में से x सब्ट्रैक्ट करते हैं इससे ये, तो ये हमारा 2 और x। फ्रेंड देखिए शॉर्टली हमने क्विकली कॉम्पिट एग्जाम के लिए 2x रिजल्ट निकाला है, और फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से भी हमने 2x इसका रिजल्ट निकाला है। तो फ्रेंड ये है इसका फर्स्ट एग्जाम्पल, इससे रिलेटेड 4-5 एग्जाम्पल हैं, वो आप दोस्त खुद कीजिए ताकि और आपकी इसमें कमांड हो जाए फर्स्ट प्रिंसिपल पे। हम आगे इसके मतलब और भी जो रिलेटेड हैं वो आगे करते रहेंगे और बनाएंगे। तो दोस्तों यहां तक अगर आप दोस्तों को क्लियर है कॉन्सेप्ट फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के पहले एग्जांपल पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को, ताकि मैं आप दोस्तों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। और वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।